जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। गाइज, स्टॉक मार्केट में इन दिनों वाकरंगी लिमिटेड की खूब चर्चा हो रही है। वाकरंगी लिमिटेड किस वजह से चर्चा में, क्या काम कंपनी करती है और इसमें यदि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या यह फायदे का सौदा साबित हो सकता है कि नहीं, इन्हीं सब चीज़ों को इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ में किसी व्यक्ति का मान लीजिए पहले से ही इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी काम का है। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट और चीज़ें मैं बताऊंगा इस वीडियो में, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के काम से। देखिए, ये जो कंपनी है आपको बेसिकली ये आईटी के सेक्टर में कामकाज करते हुए दिख जाएगी। टेक्नोलॉजी से संबंधित कंपनी काम करती है और ज़्यादातर इसका काम देखेंगे तो आपको रूरल और सेमी अर्बन जैसे सिटीज़ में आपको इसका काम होते हुए दिखेगा। आईटी से रिलेटेड एक कंपनी काम करती है और सपोर्ट करती है जो बड़े बड़े आईटी से आईटी रिलेटेड कंपनियां हैं उनको सपोर्ट करती है साइड से। तो काम काफ़ी, देखिए मैं बार बार कहता हूँ, जो आईटी रिलेटेड कंपनियां हैं उनका फ्यूचर उज्ज्वल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये जो आईटी के सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां हैं इसके शेयर प्राइस में भी तेजी समय के साथ आते रहती है, धीरे धीरे प्राइस करके ऊपर ही जाता है आईटी से रिलेटेड कंपनियों का, और इसकी डिमांड भी हमेशा रहेगी। इसलिए जो मान लीजिए कोई छोटे कंपनी जैसे इसका प्राइस अभी कम है, हालांकि प्राइस के हिसाब से कंपनी छोटी बड़ी नहीं होती, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी देखेंगे वैल्यूएशन वाइज स्टॉक छोटा छोटा ही है, स्मॉल कैप श्रेणी का स्टॉक है। तो इस तरह के सही स्टॉक में जब सही समय पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो जब ग्रो करेगा तो उसका बेनिफिट आपको मिले, क्योंकि आपने एकदम कहते हैं ना कि बॉटम पे पकड़ा है, तो आपने यहाँ पे एकदम बॉटम पे पकड़ा और जब कंपनी ग्रो करेगी, जब कंपनी बड़ी होगी तो एकदम आप टॉप पर बेचेंगे, इस हिसाब से आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट होते हुए दिखेगा। तो बाकरंगी लिमिटेड का आपने काम समझा, काम का क्या इंपॉर्टेंस है वह भी आपने समझा। अब बात करते हैं कंपनी का क्या फंडामेंटल उस लिहाज का है कि हम उसमें पैसा लगा सके। तो फंडामेंटल भी आपको ठीक ठाक दिखेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट कैप तकरीबन 2500 करोड़ के आसपास, यानी कि एक स्मॉल कैप श्रेणी की एक कंपनी है। हालांकि स्टॉक का पीई काफ़ी महंगा है, इतना महंगा पीई पे हम बाई नहीं करते हैं हम लोग। तो मैं बता दूं कि जब आप यदि हमारे वीडियो को देखते होंगे तो आपको पता होगा मैं चार्ट पर देख के लेवल निकालता हूँ, चार्ट पर लेवल देख के हम लोग वहाँ पे बाई एंड सेल का प्लानिंग करते हैं। तो स्टॉक का पीई से कुछ लेना देना नहीं है हमें। यहाँ पे देखिए शेयर प्राइस बुक वैल्यू से ज़्यादा है, ये बढ़िया बात है। जो शेयर प्राइस है हमेशा इसका जो बुक वैल्यू है इससे ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे ये चीज़, ये जो क्राइटेरिया है ये मैच कर रहे हैं तो ये बढ़िया बात है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे 0.87% है और आरओसी 2.65% ये बढ़िया है। हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी 1% से ज़्यादा होता तो और भी मज़ा आता, रिटर्न ऑन इक्विटी जितना ज़्यादा होगा उतना मज़ा आएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये समय के साथ बेहतर हो जाती हैं, इसमें भी हो जाएगा। अब आ गए हम लोग कंपनी के 1 साल के चार्ट पर, और यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझते हैं कि यदि हमें इसमें एंट्री लेना है तो कहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, या किसी को बाहर निकलना है तो कहाँ पर वो व्यक्ति बाहर निकल सकता है। देखिए, अभी बाहर निकलने के बारे में मत सोचिए। इसमें क्या है कि ये जो 20 रुपये का लेवल, इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, आप बार बार देखेंगे कि यहीं भी प्राइस आके सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पर भी लिया था फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर भी लिया था फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया, और अभी इसका प्राइस देखेंगे तो कह सकते हैं कि ये जो लेवल है 24 रुपये का लेवल, इसके लिए रेजिस्टेंस प्लस सपोर्ट दोनों है, इसलिए प्राइस यहाँ पे आके ठहरा हुआ है। और ये बहुत सही काम है कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास आके ठहरे, यहाँ पे कुछ समय बिताए, और समय बिताता है प्राइस, उसके बाद जो ब्रेकआउट होता है वो लंबा वाला ब्रेकआउट होता है। यदि प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है और डायरेक्ट ऊपर निकल जाता है तब फिर उसमें मज़ा नहीं आता है, फिर ऊपर से नीचे आने के चांसेस होते हैं। जबकि यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस के पास यदि समय बिताता है, यहाँ पे आके कुछ दिन समय ठहरता है, उसके बाद जब ऊपर निकलता है प्राइस, तो फिर बहुत ज़्यादा और बहुत लंबा वाला तेजी से स्टॉक में देखने को मिलता है। तो आपको करना क्या है कि इसमें वेट करना है जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट है, और किसी को एंट्री लेना भी है तो वो व्यक्ति क्या करेंगे, जब इसका प्राइस 26 रुपए के ऊपर आपको निकलते हुए देखे, 26-27 रुपए का, वहां पे एंट्री लीजिएगा। एक कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेंगे तो थोड़ा आपको मतलब इसका तनाव नहीं रहेगा कि प्राइस जल्दी नीचे आ जाएगा। अब बहुत से लोग अभी एंट्री ले सकते हैं लेकिन लेना थोड़ा रिस्की रहेगा क्योंकि अभी रेजिस्टेंस के पास है, इसलिए कंफर्म हो जाने दीजिए, प्राइस कोई इससे ऊपर निकलने दीजिए, इसके बाद आप 26-27 रुपये के आसपास इसमें अपने रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से एंट्री ले सकते हैं। और बाकी जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट है वो बेचना भी चाहते हैं तो देखिए, बेचने के लिए तो मैं मना नहीं करूँ, कभी बेच के निकल सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तब बेच के निकल जाएगा, तब ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। तो टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से ये बात आपको पता चल गया। और आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। इसका प्राइस देखेंगे, एक ये टॉप बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, यहाँ पे आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में कंपनी का शेयर प्राइस आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है। तो ऐसा चार्ट जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और वहाँ पे इस तरह का चार्ट मिले तो ये बुलिश चार्ट होता है। लॉन्ग टर्म इसका मतलब होता है कि प्राइस ऊपर जाएगा और हर बार एक नया हाई बनाते हुए ये स्टॉक जाएगा। बीएस इंडिया की वेबसाइट पर जो आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे इस कंपनी को ओपन किया हुआ, तो नोटिफिकेशन में आ जाइए, नोटिफिकेशन में आपको दिखेगा कि ये स्टॉक में भी हाल के दिनों में ही अपर सर्किट लगा था। यहाँ पे देखिए अपर सर्किट इस स्टॉक में लगा था जो दिखा था 3 अप्रैल को। जब जब इस स्टॉक में अपर सर्किट लगता है, स्टॉक में एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी जनरेट होते हुए आपको दिखता है। देखिए वॉल्यूम यहाँ पर भी बढ़ा था, यहाँ पर भी बढ़ा था, इस हिसाब से स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ना मतलब न्यू बायर्स इस स्टॉक में आ रहे हैं, नए नए लोग इसमें मतलब इंटरेस्ट
ले रहे हैं इस स्टॉक में बाई करने के लिए। इसके पीछे की वजह यह है कि ये जो कंपनी आपको अच्छा खासा डिविडेंड देती हुई दिखती है, समय समय पर ये स्टॉक आपको अच्छा खासा डिविडेंड देते हुए दिखता है। लगभग हर साल ही ये स्टॉक आपको डिविडेंड देता है और डिविडेंड भी ठीक ठाक देता है। तो एक अच्छी खासी क्वांटिटी यदि आपके पास है तो आपको डिविडेंड से ही बहुत अच्छा कमाई हो जाएगा। लगभग हर साल ये स्टॉक यहाँ पर डिविडेंड देता है, आप देख सकते हैं। तो डिविडेंड के मामले में भी ठीक है और इससे भी आपकी कमाई हो सकती है। बाकी यदि कुछ अदर चीज़ को देखें हम लोग इस स्टॉक में, तो आपको जब बैलेंस शीट में दिखाऊं तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी के पास जो डेप्ट है, यहाँ पे जो कर्जा देखेंगे तो वो बहुत ही कम है, 53 करोड़ के आसपास है। और जो रिजर्व पैसा है पिछले कुछ समय में देखें तो रिजर्व पैसा कम हुआ है। हालांकि जब क्वार्टर्स रिजल्ट आप देखते हैं तो क्वार्टर्स रिजल्ट में आपको पता चलेगा कि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है, सेल्स तो बढ़ ही रहा है। देखिए सेल्स अभी लगभग ठीक ठाक है, सेल्स पिछले कुछ क्वार्टर मुकाबले देखेंगे तो बढ़ा ही ओवरऑल, और उसके हिसाब से जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट भी आपको कंपनी का बढ़ते हुए ही दिखेगा। तो जब नेट प्रॉफिट देखिए दिसंबर क्वार्टर में बढ़ा है, तो नेट प्रॉफिट बढ़ा और कंपनी के पास ज़्यादा कर्ज नहीं है, तो एक बार जब कंपनी डेब्ट फ्री हो जाएगी तो इसका पैसा कंपनी बिजनेस को एक्सपेंड करने में करेगी, और एक्सपेंड नहीं भी करेगी तो वो जो पैसा है कंपनी का जो रिजर्व जो फ्री कैश फ्लो होता है उसमें आके ऐड होगा। तो रिजर्व फ्री और जो कैश पैसा होता है रिजर्व वाला फ्लो वो भी बढ़ेगा। ओवरऑल फंडामेंटल ठीक है और समय के साथ और फंडामेंटल बेहतर ही होगा, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी काम धाम कर रही है, जिस हिसाब से कंपनी का मैनेजमेंट कर रहा है, ओवरऑल चीज़ें इसमें ठीक नजर आती हैं। तो जो भी डिटेल्स थी इस स्टॉक रिलेटेड मैंने आपको बता दी है। मन में कोई सवाल होगा, कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।